क्या बात है अम्मी जान? सोच रहे थे आखिर जोधा बेगम चाहती क्या है। हमने जब उन्हें मजहब बदलने के लिए कहा था तो उन्होंने नहीं बदला, और अब किसी को बताए बिना मजहब बदलने चली गई। उनकी जगह पर कोई भी बेटे होते तो अपनी माँ की सेहत के लिए यही करते। अम्मी जान, वो आपकी ऐसी हालत नहीं देख पाई, इसलिए शायद उनके पास एक आखिरी यही रास्ता था आपसे आपकी जिद तोड़वाने का। लेकिन शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए सही वक्त पर अम्मी जान, देखिए ना, हमने जंग भी जीत ली और जोधा बेगम ने मजहब भी नहीं बदला। इन सब में सिर्फ एक बात गलत हो गई अम्मी जान, शहंशाह जोधा बेगम से बहुत नाराज है, ये बात सही नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से शहंशाह और जोधा बेगम के रिश्ते में नजदीकियां आई थी, उनका रिश्ता मजबूत हुआ था। लेकिन गलती जोधा बेगम की थी सलीमा, उन्होंने फैसला लेने में बहुत देर कर दी। अगर यही फैसला उन्होंने वक्त से ले लिया होता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो क्या मैं जान आपको भी यही लगता है, गलती जोधा बेगम की थी? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। खास ऐलान करने आए, जब हम आगरा से बाहर थे तब हमारी गैर मौजूदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। एक शहंशाह होने के नाते हमने हमारी तमाम बेगमात को वो सारे हक दिए, वो सारे अहदे दिए, अपनी ताकत अपनी सोच का मंजा इस्तेमाल करने का। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारे हक पर सवाल उठा दिया गया है, कि हमारे उन फरमानों पर सवाल उठा दिया गया है, और ये सवाल उठाया खुद हमारी खास बेगम ने। इसलिए आज हम हमारी जिंदगी का सबसे कड़ा फैसला लेंगे। इस मामले ने तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ ले लिया है। लगता है आज जोधा बेगम की खैर नहीं। मलिका हिंद मरे मुसलमानी हमारे फैसले के खिलाफ गई, और चूंकि उनकी ताकत हमारे पास सबसे बड़ी है, क्योंकि वो हमारे पास सबसे ताकतवर हस्ती हैं, इसलिए उनकी सजा भी कम नहीं होगी। हम उन्हें इतनी बड़ी सजा देना चाहेंगे ताकि आइंदा कोई भी कनीज, कोई भी बेगमात हमारे हुक्म पर सवाल ना उठा सके। हम बादशाह ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के, अपनी खुद मुख्तारी और इस बात को साबित करने के लिए कि कोई भी हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसका आपके मजहब बदलने से कोई ताल्लुक नहीं था। जो अब ये बात हम लाखों बार आपको समझाएंगे, उसके बावजूद हम अपना मजहब बदलने गए क्यों? हम ये बात पहले सबको कह चुके हैं कि जो कोई भी अगर दिल से इस्लाम कबूल करता है तो हम बाहें खोलकर उसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन हम हर किस नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी मर्जी के बगैर इस्लाम कबूल करे, क्योंकि ऐसा करना हमारे इस्लाम की तोहीन होगी। अपने नाम से मुगल कानून को थोड़ा, बल्कि उन गौर को थोड़ा जो शादी करते वक्त आपने में दे थे, आपने हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया है, अपने शौहर का मजाक उड़ाया है, उस नींव का मजाक उड़ाया है जिस पर हमारे रिश्ते की इमारत खड़ी हुई है, और उसकी एवज में हम आपको एक बहुत बड़ी सजा देंगे जोधा बेगम। और हम आपसे तलाक लेने का फैसला लेते हैं। माफ शहंशाह, लेकिन बिना किसी जायज जुर्म के अपनी बेगम को तलाक देना अपने आप में गुनाह है। ये जायज नहीं है शहंशाह, ये ज़ाती है शहंशाह। सलीमा बेगम, जो गुनाह उन्होंने किया है उसके एवज में हम इन्हें कम सजा दे भी नहीं सकते, और आप सबसे दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस बाबत हमसे कोई बात ना की जाए, और खास करके इनकी सिफारिश लेकर हमारे पास कोई नहीं आएगा। हम सबके सामने इन्हें तलाक देंगे।
जाने के पश्चात किस भांति बिना नींद के हर रात बिताई है सपने, क्योंकि युद्ध केवल आपके और शाह ईरान के बीच में नहीं था बल्कि मुगल सल्तनत के शहजादों के बीच में भी था, भाइयों के बीच में था। और फिर आपने क्या उदाहरण पेश किया अपने बच्चों के सामने? एक दिन किसी एक को पद दे दिया तो दूसरे दिन किसी से पद छीन लिया। शहंशाह, जो भाई कल तक एक दूसरे के लिए अपनी जान देने तक तैयार थे, आज एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा धर्म नहीं बदला। हमें हमारे बच्चों की चिंता है, अपनी सल्तनत की चिंता है, अपनी प्रजा की चिंता है। हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, हम नहीं चाहते कि लाखों लोग प्राणों की बलि चढ़ाएं। इसलिए मलिका हिंद होने के नाते हमने हमारा कर्तव्य निभाया। और यदि आपको हमारे निर्णय लेने से आपत्ति है तो फिर मलिका हिंद का ताज आपने हमें पहनाया ही क्यों? इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें सौंपी ही क्यों आपने शहंशाह? और आप भी बताइए, क्या मुख दिखाते हम ईश्वर को, अल्लाह और भगवान को क्या मुख दिखाते कि धर्म और मजहब के नाम पर हमने इतनी जाने जाने दी, अपने बच्चों को आपस में लड़ने दिया? बताइए, क्या अधिक मायने रखता है धर्म के लिए लड़ना या धर्म के साथ लड़ना? यदि हमारे निर्णय से आप क्रोधित हैं तो आपका क्रोध हमें स्वीकार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जो था, बल्कि आपने अपने शौर्य के खिलाफ जाने की तोहिन की है। क्योंकि हमने आपको लाखों बार समझाया तो उसके बावजूद आपने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार गलती करी। इससे तो साबित हो जाता है जो था बेगम की हमारा नजरिया बिल्कुल भी हमें नहीं लगता आपके सगन में। हमारी छोड़िए, जब आप जानते हैं कि मर्जी के बगैर इस्लाम को नहीं किया जा सकता है, उसके बावजूद आपने हमारे साथ साथ इस्लाम की भी दुआएं की। धर्म क्या है शहंशाह, जिसे धारण किया जा सके? और क्या सिखाता है आपका धर्म, हमारा धर्म या फिर संसार का कोई भी धर्म? एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, भाईचारा भूल कर एक दूसरे के साथ हिंसा करना, घृणा करना, नहीं ना? और आपका राजधर्म क्या कहता है? भविष्य में आप अपने बच्चों को क्या सीख देना चाहते हैं? एक दूसरे के लिए सम्मान करना, एक दूसरे के लिए त्याग करना, एक दूसरे के साथ हिंसा करने से छोटा होता है? कदाचित आज आपको हमारी बात समझ नहीं आएगी शहंशाह, पर एक दिन आपको समझ आएगा कि हमारा निर्णय अनुचित नहीं था। बातें मत बनाइए शहंशाह, हम बातें थोड़ी ना बना रहे हैं। जरा एक बार हमारे नजर से देखिए, आपकी खूबसूरती के आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाएगी। आप भी ना शहंशाह, छोड़िए हमें। जब देखो जब शरारत सूझती रहती है आपको, किसी ने देख लिया तो वैसे भी हमें देरी हो रही है। इतनी मजाल जो हमने और बीवी के बीच में है, वाकई आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इतनी खूबसूरत कि हम अपना होश खो बैठे हैं। एक अजीब सी बात जानते हैं? क्या? मेरे रिश्ते की कहानी जो था वो जितनी अजीब है उतनी खूबसूरत है। जैसे जब हमारा निकाह हुआ था तब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, जब जाना तब एक दूसरे नफरत करने लग गए, इतनी नफरत की। और कब नफरत हमारी मोहब्बत में तब्दील हो गई बताया नहीं चली। जब भी हमारे हाथ दुआ में उठते हैं और सिर्फ हमारे परवरदिगार के लिए शुक्र अदा के लिए उठते हैं कि उन्होंने आपको हमारी जिंदगी में भेजा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।